हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलोवेरा की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। वैसे तो एलोवेरा की खेती करना लाभकारी है, बहुत से किसान एलोवेरा की खेती करके बहुत लाभ भी कमा रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो एलोवेरा की कृषि तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, और कारण उसका ये है, भारत में एलोवेरा के विक्रय हेतु खुला बाजार आसानी से नहीं मिल पाता। अनेक किसान फोन और मैसेज से एलोवेरा की कृषि एवं उसका विक्रय कहाँ करें ये जानकारी मांगते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एलोवेरा के प्रोडक्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है। कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने के हर्बल प्रोडक्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसकी मांग बढ़ी है। यह तो सच है, मांग तो बढ़ी है, पर अभी तक किसानों को अच्छे से नहीं पता उसे खेती कैसे करनी है और इसे बेचना कैसे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलोवेरा की विशेषताओं के बारे में। एलोवेरा को किसी भी मौसम या साल में किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसको पानी की जरूरत बहुत कम होती है। इसकी पौध आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। सिर्फ खरपतवार को निकालने और थोड़ा पानी लगाने की जरूरत होती है। एलोवेरा को लगाने में खर्च बहुत कम होता है। इन विशेषताओं के कारण कोई भी किसान इस खेती को आसानी से अपने खेतों में पैदावार करके अच्छी कमाई कर सकते। आइए जानते हैं कैसे करें एलोवेरा की खेती। एलोवेरा की खेती करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि किसान खुद से सारा काम करे। इसका मतलब वो खुद से फसल को खरीदे, फसल की बुआई करे, उसकी देखभाल करे और खुद से उसे मार्केट में बेचे। और दूसरा तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी होती है वो किसानों की पूरी मदद करती है। किसानों को पौध उपलब्ध कराती है, उसकी बुआई के समय क्या देखरेख करनी है वो पूरा काम कंपनी का होता है। फसल जब तैयार हो जाती है उसके बाद बेचने का भी काम वो कंपनी का ही होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी किसान के साथ मिलके ये खेती करती है और उसका कुछ मुनाफा किसान को देती है। शुरुआत में किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर खेती करना बहुत फायदेमंद होता है। कंपनियां किसानों से सीधे पल्प या पत्तियां दोनों में से किसी को भी खरीद सकती हैं। यह किसान और कंपनी के मध्य हुए कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है। वैसे यदि किसान भाई चाहे तो वे स्वयं ही पल्प निकालने या सीधे प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकते। पल्प निकाल कर बेचने पर 4 से 5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान भी ट्रेनिंग देता है एवं संबंधित राज्यों की विभिन्न एजेंसियों से भी समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहती है। एलोवेरा बोने के लिए बीज या पौधा क्या उत्तम होता है? एलोवेरा के बीज बोकर पौध उगाना बहुत आसान और फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप इसकी पौध मार्केट से खरीद कर लगाए, जो की आसानी से मिल भी जाती है और सस्ती भी होती है। करीब 5 से 10 इंच साइज का एलोवेरा का पौधा बुआई के लिए अच्छा रहता है। एलोवेरा की खेती के लिए मृदा और जलवायु कैसी होती है उसको जानते हैं। प्राकृतिक रूप से इसके पौधे को अनुपजाऊ भूमि में उगते देखा गया है। इसे किसी भी भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसका अधिक उत्पादन देखा गया है। वो कौन कौन सी प्रजाति हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है व्यवसायिक स्तर पे खेती करने का? तो केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान CMAP के द्वारा सिम शीतल L125 और 49 को खेतों में परीक्षण के उपरांत इन जातियों से अधिक मात्रा में जल की प्राप्ति हुई है। इनका प्रयोग खेती के लिए किया जा सकता है। और कैसी खेती? व्यवसायिक खेती, जहाँ पे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। कैसे करें एलोवेरा के पौध की रोपाई? सबसे पहले भूमि की 1-2 जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर समतल बना लें। इसके उपरांत ऊंची उठी हुई क्यारियों में 50x50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को रोपित करें। पौधों की रोपाई के लिए मुख्य पौधों के बगल से निकलने वाले छोटे छोटे पौधे जिसमें 4-5 पत्तियां हों उसका प्रयोग कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 50 एवं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखने पर 10,000 से 15,000 पौधों की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में। सिंचित दिशाओं में इसकी रोपाई फरवरी माह में उत्तम होती है। वैसे आप किसी भी मौसम में एलोवेरा की पौध की रोपाई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, वैसे तो एलोवेरा की फसल में कोई खास खाद की जरूरत नहीं होती, और यदि आप खाद का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें या फिर जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। किसी टाइप की पेस्टिसाइड या फिर केमिकल यूज ना करें, उससे एलोवेरा की पैदावार में असर पड़ता है। यदि आप 1 एकड़ की बात करें
तो 5 से 6 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद पौधे के अच्छे विकास के लिए आवश्यक होती है। आइए जानते हैं सिंचाई की कितनी जरूरत होती है। पौधों की रोपाई के बाद खेत में पानी दें। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अच्छी रहती है। प्रयोग द्वारा पता चला है कि समय से सिंचाई करने पर पत्तियों में जल का उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वर्ष भर में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता हो। रोग एवं कीट नियंत्रण, समय समय पर खेत में खरपतवारों को निकालते रहें। खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा बढ़ने पर खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ऐसी दवा जो खरपतवार नाशी हो उनका असर पौधों पे कम हो। तो प्रयास करें वैसी दवा का इस्तेमाल बगैर किए अगर आप खरपतवार को निकाल सकते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम होगा। ऊंची उठी हुई क्यारियों की समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें, जिससे पौधों की जड़ों के आसपास पानी के रुकने की संभावना कम होती है एवं साथ ही पौधों को गिरने से भी बचाया जा सकता है। पौधों पर रोगों का प्रकोप वैसे तो कम होता है, पर कभी कभी पत्तियों एवं तनों के सड़ने एवं धब्बों वाली बीमारियों के प्रकोप को देखा गया है, जो कि फफूंदी जनित बीमारी है। इसकी नियंत्रण के लिए मैंकोजेब, रिडोमिल, टाइथेन, M45 का प्रयोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करने से किया जा सकता है। बरसात के मौसम में संभालना ज्यादा जरूरी होता है। खेत में यदि पानी भर जाए तो निकालने का तत्काल प्रबंध करें। लगातार पानी भरा रहने पर इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं एलोवेरा की पौध किस भाव में आपको मार्केट से मिल सकती है। आमतौर पर एलोवेरा की पौध 2.25 से 4.25 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से मिल सकती है। ये जो कीमत है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, मीन्स 2 रुपए से 4 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से आपको ये पौध मिल जाती है। पर एक चीज ध्यान रखें, इसमें कई लोग आपको 4 से 7 रुपए बोलेंगे और वे आपको दूसरे तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम आप पौधा लगा कर देंगे, दूसरे की पौध अच्छी नहीं होगी, या हम आपके फसल की मार्केटिंग भी करेंगे वगैरह वगैरह। इसलिए इनके झांसे में आकर महंगी पौध न खरीदें। पौध आपको जो मिलेगी वो नॉर्मली 2 रुपए से 4 रुपए के अंतराल पे मिल सकती है। इससे ज्यादा की अगर आपको वो प्राइस बता रहे हैं, प्रयास करें कहीं दूसरी जगह से इस पौध को खरीदने की। आइए जानते हैं 1 एकड़ में कितने पौधे लगा सकते हैं। 1 एकड़ करीब 43,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन बताई है। दूसरी जगह के लिए आप इसी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 1 एकड़ में करीब 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं एलोवेरा की 1 एकड़ की खेती का शुरुआत में क्या खर्चा आता है। पहले साल का खर्चा कुछ इस प्रकार से मैंने इस टेबल में दिखा रखा है, जिसमें जुताई का खर्चा लगभग 3,000, देसी गोबर खाद का खर्चा लगभग 2,000, पौधे का खर्चा, यहाँ पे मैंने 10,000 पौधे की बात कही है, और उनके जो रेट लिए हैं वो कम से कम 2.25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 3.75 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से मैंने यहाँ बताया है। तो उस हिसाब से 10,000 पौधे का जो कीमत होती है वो 22,500 से 37,500 तक हो सकती है। पानी या फिर सिंचाई का खर्चा 4,000। खेत की बाड़ लगाना, फेंसिंग का खर्चा, ये इसलिए जरूरी है और उन स्थानों के लिए जरूरी है जहाँ पे नीलगाय या जंगली सुअर आते जाते हैं। आमतौर पे ये देखा गया कि ये नीलगाय या जंगली सुअर इन फसलों खाते तो नहीं है पर नुकसान जरूर कर देते हैं, तो उनसे बचाव के लिए खेत की बाड़ लगाना आवश्यक होता है, जिसके लिए 25,000 से 30,000 का खर्चा आता है। यदि हम केवल पौध से रिलेटेड खर्चे की बात करें तो सभी खर्च मिलाकर 30,000 रुपए का पूरा खर्चा होता है। इसके बाद जो बाड़ अगर आप खेत के किनारों पे लगाते हैं उसका खर्चा अलग से होता है। ये तो पहले साल का खर्चा हुआ, जो अगर पौध की बात करें जो 30,000 आ रहा है। यही अगली साल मींस दूसरी साल में यही खर्चा दूसरी साल में कम हो जाता है, जहाँ पे आपको पौधे का खर्चा देना नहीं पड़ता, मात्र पानी की सिंचाई के लिए आपको खर्चा देना होता है और वही खर्चा आपको तीसरे साल में भी देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 3 साल की बात कही, पर आमतौर पे एलोवेरा की खेती को आप 5 साल लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 साल लगातार आप इससे कमाई ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा के उत्पादन के बारे में। 1 साल में 1 एकड़ में करीब 70,000 से लेकर 80,000 तक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि एक खेत में करीब 10,000 पौधे लगते हैं और हर पौधे से साल भर में करीब 7 से 15 पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
जो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें साल इसका करीब डबल हो जाता है। पहले साल अगर आप एलोवेरा के लीव की बात करते हैं तो 10,000 के हिसाब से एक प्लांट में करीब 3 पत्ते काटे जा सकते हैं और एक पत्ते का वजन करीब 600 से 700 ग्राम होता है। इस हिसाब से एक पौधे से करीब 2 किलोग्राम एलोवेरा के पत्ते निकलते हैं और 10,000 प्लांट से हुए 20,000 किलो का उत्पादन पत्तों से मिलता है। अगर आप 4 रुपए के रेट से इस पत्तों को बेचें मार्केट में तो टोटल आमदनी आपकी होती है 20,000 × 4 जो कि 80,000 होता है। इसको अनुमानित मान लेते हैं कि 1 लाख तक आप यहाँ पे पत्तियों से मुनाफा ले सकते हैं, जो अगले साल दुगनी हो जाती है क्योंकि अगले साल से या फिर दूसरे साल से इन पत्तियों की कटाई साल में 2 बार आप कर सकते हैं। 1 एकड़ से पहले साल करीब 1,50,000 और दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें साल 3 लाख तक की सालाना आमदनी की जा सकती है। पर एक बात का ख्याल रखें कि एलोवेरा के पत्ते करीब 4 रुपए किलो के भाव से भारत में बिकते हैं और यही पत्ते अगर आप विदेशों में बेचते हैं तो उनका भाव 7 रुपए प्रति किलो हो जाता है। इसको थोड़े और दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़े आसान तरीके से समझते हैं कि पहले साल आपने कितनी आमदनी लगाई और कितना खर्चा हुआ उससे आपका बचत निकल के आएगा, जो पूरा मुनाफा शुद्ध मुनाफा आपको मिलता है। पौधे से आमदनी होती है आपकी 70,000 की, क्योंकि यहाँ पे अनुमानित बताया गया है कि 10,000 पौधे आप लगा रहे हैं 1 एकड़ जमीन में और ऐसा अनुमान है कि 7 से 15 नए पौधे उस एक पौधे से पैदा हो जाते हैं। तो हमने सबसे कम वैल्यू को लिया कि एलोवेरा के एक पौधे से 7 नए पौधे बनते हैं, तो उन 7 पौधों को अगर 1 रुपए के हिसाब से भी बेचेंगे तो 10,000 पौधे से आपको 70,000 रुपए की आमदनी होगी। इसके बाद पत्ते से आपको आमदनी होगी 80,000 से 1 लाख तक, यहाँ पे 80,000 को लिया गया। और जो आपने शुरुआत में पौधे का खर्चा लगाया था जो लगभग 30,000 रुपए था, अगर इसको पूरा देखा जाए तो आपकी इसमें बचत होती है 1,20,000 की। ये आपकी शुद्ध मुनाफा है। दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें साल कोई खर्च नहीं होता सिवाय सिंचाई के, और आमदनी पौधे और पत्तों को मिलाकर करीब 3 लाख प्रति वर्ष हो जाती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, एलोवेरा के पत्ते साल में 2 बार बेच सकते हैं जबकि पौधा मात्र 1 बार ही बिकता है। किसान भाई एलोवेरा को 2 प्रकार से बेच सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि पत्तियां और पल्प दोनों ही बिकता है और दोनों अलग अलग रेट में बिकते हैं। अधिकांश किसान जो एलोवेरा की कृषि कर रहे हैं उन्होंने पहले से ही किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके अनुसार उनकी उपज तैयार होने के बाद वो कंपनियां उनसे एलोवेरा की पत्तियां खरीद लेती हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, वे स्वयं ही एलोवेरा का पल्प निकालकर कंपनियों को कच्चे माल के रूप में बेच रहे हैं। एलोवेरा की पत्ती किस साइज पे बिकने लायक हो जाती है उसको जानते हैं। आमतौर पर 4 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा और 18 इंच लंबा एलोवेरा का पत्ता बिकने लायक हो जाता है, काटने लायक हो जाता है। इस पे भी ध्यान देंगे कि करीब 6 से 10 इंच साइज का एलोवेरा का पौधा बिक्री के लिए बहुत अच्छा माना गया है। फसल की कटाई और उपज, रुपाई के 10 से 15 महीनों में पत्तियां पूर्ण विकसित एवं कटाई की योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी एवं नई पत्तियों की कटाई नहीं करें, निचली एवं पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना उचित होता है। इसके बाद लगभग 45 दिन बाद पुनः 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई की जा सकती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है। एलोवेरा फार्मिंग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एलोवेरा की फार्मिंग में कुछ बात ध्यान रखें कि जो आप फसल लगा रहे हैं अपने खेतों में उसको ध्यान से आप खरीदें। जो आप फसल लें वो एक अच्छी पौध की फसल हो, एक अच्छी किस्म की फसल हो। किसी भी प्रकार की केमिकल वाली खाद व कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से एलोवेरा की पौध पे नकारात्मक असर पड़ता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। कोशिश करें कि खेत में ज्यादा दिन तक पानी जमा ना रहे, नहीं तो एलोवेरा की जड़ों में गलने का खतरा बना रहता है। एलोवेरा फार्मिंग के लिए सरकारी मदद कैसे मिलती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं,
मुद्रा लोन लेकर आप 15-20% की सरकारी मदद ले सकते हैं। मुद्रा लोन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और दे दी है, साथ में वेबसाइट दे दी है, आप चाहें तो इसका पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा की खेती करने के लिए। जाने वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें एलोवेरा की आवश्यकता होती है और आने वाले निकट भविष्य में भी इसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी। पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, रिलायंस, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में एलोवेरा की जरूरत होती है, एवं बहुत सी ऐसी छोटी कंपनियां भी हैं जो एलोवेरा की पत्ती से पल्प निकालकर अन्य बड़ी कंपनियों को बेचती है। आजकल हर्बल दवा बनाने वाली कंपनियों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक और टेक्सटाइल में भी एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कुछ बड़ी कंपनियां जैसे पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ जैसी कंपनियों में अपनी फसल को पैदा करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको एक डीलर मिलना चाहिए जो उन कंपनी तक आपके फसल को बेच सके, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे अच्छा तरीका है, जहां से आप उन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके इन बड़ी नामी कंपनियों में अपनी फसल को आसानी से बेच सकते हैं। इन बड़ी कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इन बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उसके लिए मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल दे रखी है। वहाँ पर मैंने 3-4 बड़ी कंपनियों के डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं कि कैसे आपको उनकी फॉर्म फिल करने हैं, उसके वो डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ बेचे एलोवेरा? आमतौर पर स्थानीय स्तर पर इसकी तैयार फसल की खरीद पौधे देने वाली एजेंसी ही कर लेती हैं। किसानों से सीधे सीधे पल्प और पत्तियां भी खरीद लेती हैं कंपनियां। यदि किसान चाहे तो पल्प निकालने या सीधे प्रोडक्ट बनाने की लगा सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। पल्प निकाल कर बेचने से किसानों को 4-5 गुना अधिक मुनाफा मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से की गई खेती में कंपनी खुद खरीद लेती है, जिसका समझौता कंपनी पहले से ही किसान से कर लेती है। एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे तो देश के कई राज्यों में हो रही है एलोवेरा की खेती। अगर आप एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान, इसे CMAP के नाम से भी हम जानते हैं, ये संस्थान कुछ कुछ महीनों पर ट्रेनिंग करती है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है और निर्धारित फीस के बाद ये ट्रेनिंग ली जा सकती है। अपने जिले में FCCI से लाइसेंस लेकर शुरू कर सकते हैं अपना रोजगार। एलोवेरा के जूस की मांग बढ़ने से एलोवेरा का जूस निकालने की छोटी मशीनें भी डिमांड में हैं, जो कोई भी किसान आसानी से खरीद सकता है और अपने रोजगार को शुरू कर सकता है। एलोवेरा में ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए कि शुरुआत में कंपनियों से समझौता कर ही खेती करना चाहिए। यदि कोई किसान शुरुआत में औषधीय खेती करना चाहता है, ऐसी फसल जिनमें औषधीय गुण हैं, अगर उनकी खेती करता है तो मेरी राय ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही इस तरह की फसल की खेती करें, ताकि शुरुआती दौर में आपको धीरे धीरे सारी जानकारी उन कंपनियों से मिलती रहेगी। 8-18 महीनों में पहली कटाई करने की सलाह देते हैं जानकार। एलोवेरा की कटी पत्तियों को 4-5 घंटे में प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचाना जरूरी होता है। कभी ना लगाएं कटाई के बाद एलोवेरा की पत्तियों का ढेर। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप पत्तियां काटें तो जितनी जल्दी हो सके उसे प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचाने का प्रयास करें। जल भराव वाले इलाके में ना करें खेती, क्योंकि ऐसे इलाकों में इसकी फसल की गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है, फसल गलने का प्रभाव पड़ जाता है। एलोवेरा की खेती करने के लिए पौध कहाँ से खरीदना है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी से कैसे संपर्क करना है, ये सारी संपर्क की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के जरिए आपको देने का प्रयास किया है। आप उस लिंक से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस PDF फाइल में मैंने दोनों अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखा दिया है, अलग अलग तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि इस खेती को कर हमारे किसान भाई अधिक से अधिक आमदनी को अर्जित करें, अधिक से अधिक अपनी आय को अर्जित करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में हम कुछ और नए तरीके समझेंगे, नई फसल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।